हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें स्टडी करेंगे। तो मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ। ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आओ हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई को एफ एक्स लेट कर लो, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स। सो नाओ वी कैन राइट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें वाई इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्यूशन टेबल रेडी करना है, और जैसे ये सॉल्यूशन टेबल रेडी हो जाएगा, हम इनकी वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, और उन प्लॉटेड पॉइंट्स को जॉइन करके हमारे पास अपना ग्राफ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एक्स को ज़ीरो ले लेता हूँ तो वाई भी ज़ीरो आएगा। ऐसे अगर मैं एक्स को वन ले लेता हूँ तो वाई आ जाएगा वन का स्क्वायर, डैट इज़ वन। ऐसे ही एक्स को टू लेने पर वाई टू का स्क्वायर आएगा, यानी कि फोर। इन दी सिमिलर वे एक्स को तीन लेने पे वाई आ जाएगा तीन का स्क्वायर, यानी कि नाइन। अब ऐसे ही मैं कुछ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेकर देख लेता हूँ। एक्स को माइनस वन लेने पर वाई आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, डैट इज़ वन। ऐसे ही एक्स को माइनस टू लेने पे वाई आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर, डैट इज़ अगेन फोर। तो ये कुछ वैल्यूज़ हमने उतार ली हैं। तो इस सॉल्यूशन टेबल में फाइव सॉल्यूशंस हैं। अब इन्हीं की हमें ग्राफ पे प्लॉटिंग करके देखनी होगी, तो उसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। तो आप इसे उतार लीजिए, इसे रेस कर रहा हूँ मैं। y डैश y यहाँ पे x डैश यहाँ x। अब वन टू थ्री एंड फोर, एक्स एक्सिस पे फोर तक काउंटिंग काफ़ी है। ऐसे अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ तक हमें काउंटिंग लेनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट था जो सेंटर में था, डैट वो 0,0, तो वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट था 1,1, 1,1 यहाँ आएगा। 1,1 के बाद था पॉइंट 2, एक्स का 2 वाई का 4, एक्स का 2 वाई का 4 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही एक्स का 3 वाई का 9 थोड़ा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे इस तरफ। अब ऐसे ही हम रिमेनिंग वैल्यूज़ की इस पे प्लॉटिंग करके देखते हैं। x का माइनस वन वाई का 1 वो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। फिर x का माइनस टू वाई का 4 वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही x का माइनस थ्री वाई का 9 ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो बस इसी पॉइंट को जॉइन करके इसका ग्राफ रेडी हो जाएगा। ये हमारा y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और ये ग्राफ यू शेप्ड आया है, इट्स अ यू शेप्ड ग्राफ। तो ये था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वो भी मैं उतार देता हूँ, इसे उतार लीजिए प्लीज़। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ
ग्राफ फॉर या ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी हमें पहले y को एफ एक्स मानना पड़ेगा। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, सो नाउ वी कैन राइट y इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ वी विल रेडी द सॉल्यूशन टेबल फॉर दिस। हम इसके लिए सॉल्यूशन टेबल रेडी कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं x को 0 लेके देख रहा हूँ। x को 0 लेने पे y भी 0 आ जाएगा, x को 1 लेने पे y आ जाएगा 1 का क्यूब, डेट इज 1। x को 2 लेने पर ये आ जाएगा 2 का, y आ जाएगा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है। अब मैं नेगेटिव वैल्यूज भी लेकर देख लेता हूँ। x को -1 पुट करने पे y आ जाएगा -1, x को -2 पुट करने पे y आ जाएगा -8। तो हमारा सॉल्यूशन टेबल रेडी हो चुका है। अब इसकी प्लॉटिंग होगी ऑन दी ग्राफ, तो उसके लिए ये मैं रेस कर रहा हूँ। y डैश x, तो यहाँ पे 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ भी -1, -2 and -3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ऐसे यही चीज नीचे की ओर भी होगी, -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7 and 8, -8। अब हम उन नंबर्स की यहाँ पे प्लॉटिंग करके देखते हैं। सेंटर में कोऑर्डिनेट था 0, 0, वो मैंने यहाँ पे कर दिया और इधर पे प्लॉट। और नेक्स्ट जो पहले हम पॉजिटिव साइड देख लेते हैं। अगला था 1, 1 और उसका अगला था 2, 8, तो वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही अब हम नेगेटिव साइड को देखते हैं। नेगेटिव साइड में था -1, -1, वो यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरा था -2, 8, जो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इन्हें ज्वाइन करके देखते हैं। ये हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब देख सकते हैं, आप इसे उतार लीजिए। सो ये वीडियो इधर तक ही था। थैंक यू।